अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन बियाबानी न्यूज़ चैनल में सभी का खैर मकदम है। डालते हैं नज़र बीएनटी बुलेटिन की अहम खबरों पर। चंद मिनटों में जानिए अहम खबरें। जुबली हिल्स रेप केस में अपडेट, हॉनरेबल कोर्ट की जानिब से 4 दिन की कस्टडी दी गई। पुलिस स्टेशन जुबली हिल्स पर अल सादुद्दीन मलिक और 5 दिन की कस्टडी दीगर 5 मेंबर्स को। जुबली हिल पुलिस ने कस्टडी को लिया है आज। हैदराबाद गैंगरेप में कांग्रेस के कार्यकुन ने फिर से तेलंगाना पुलिस पर आवाज उठाई। उन्होंने सीवी आनंद पर इल्जाम लगाया कि वो रेप केस के मुतालिक तफसीलात बताने से चूक रहे हैं, जिसमें इस वारदात में जो कार्स इस्तेमाल हुए हैं इनोवा और मर्सिडीज, उनके और ओनर्स के नेम अभी बताना बाकी है। कांग्रेस चीफ रेवंत रेड्डी ने मीडिया से कहा, वीलिदर पोत्तुलो एन्निकललो पोटी चेस्तुन्नारु, ई रोज अधिकारंलो भागस्वामुलु एन्निकललो भागस्वामुलु रेपुल मटर्लालो कूडा टीआरएस एमएम भागस्वामुलुगा कलिसि ఈ సంఘటనకు పాల్పడ్డారు। ఈ సంఘటనలకు వినియోగించిన కార్ యజమానులను పోలీసులు పిలిచి విచారించినరా లేదా? ఒకవేళ మోటార్ వెహికల్ యాక్ట్ ప్రకారం మైనర్లు ఒకవేళ కార్ను నడిపితే మోటార్ వెహికల్ యాక్ట్ 133 ప్రకారం వాళ్ళకి నోటీస్ ఇవ్వాల్సి ఉండే। रेवेन्यू इंटेलिजेंस की जानिब से तकरीबन 150 करोड़ की माली रकम वाली गांजा और हेरोइन को ज़ाया किया गया, जिसमें 4,812 किलो गांजा और 35 किलोग्राम हेरोइन मौजूद है, जो अलग अलग मुकाम से सीज किए गए थे। बीजेपी प्रेसिडेंट सोमो वीराजू को पुलिस ने रोका और अमालापुरम पर और रेवलपंडी पुलिस स्टेशन में मुंतकिल कर दिया, जिसके बाद बीजेपी कार्यकुन और पुलिस में मुठभेड़। ओडिशा में फायर सर्विस और पुलिस की जानिब से रेस्क्यू किया गया लियोपर्ड। फायर सर्विस और पुलिस पर्सनल की जानिब से एक तेंदुए को जो बॉली में गिर चुका था उसे निकाल दिया गया। ये वाकया सांबलपुर डिस्ट्रिक्ट रायखोल का है। पानी
हैदराबाद एयरपोर्ट में अब मास्क लगाना होगा जरूरी। कोविड प्रिकॉशंस को मद्देनजर रखते हुए तमाम पैसेंजर्स को मास्क लगाना होगा जरूरी हैदराबाद एयरपोर्ट पर अपनी फ्लाइट के लिए। गुजरात की एक लड़की का वीडियो वायरल, सोलो गेम में विडिंग खुद से ही करने वाली 24 साल लड़की की अपने आप से शादी कर रही है, जिसका सोशल मीडिया पे सुर्खियों पर है। गुजरात के वडोदरा में रहने वाली ये लड़की शमा बिंदु, जो एक प्राइवेट एम्प्लॉय है, खुद से इतना प्यार करती है कि वो खुद से ही अपनी ज़िंदगी भर का नाता जोड़ने वाली है और अपनी शादी के रस्म में तमाम क्लोज फ्रेंड्स और अपने घर वालों के साथ उसने अपने तमाम रस्मात अदा किए। दिल्ली पुलिस की प्रेसिडेंट कलीमुल हफीज़ और मजलिस के दिगर कार्यकुन को धरना देने से रोका गया। दिल्ली पुलिस स्टेशन के पास संसद पर उन्होंने नूपुर शर्मा को अरेस्ट करने की डिमांड की है और उनकी मांग को रोकते हुए पुलिस ने इस धरने को रोका। सबको कर लेंगे, इनके वो करीबी है ना दिल्ली पुलिस के, नूपुर और वो करीबी है, बाकी सबको डिटेन कर लेंगे ये लोग। आप लोग देख रहे हैं, हम बिल्कुल संवैधानिक तरीके से अपना प्रोटेस्ट करा रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से करा रहे हैं, लेकिन चूंकि आप देख रहे हैं कि जो दिल्ली पुलिस का तरीका है वो यही है, हर जगह इन्हें नूपुर इन्हें नवीन जिंदल नजर नहीं आ रहे, जिसने पूरी पूरी दुनिया में उबाल मचा दिया। बजाय दिल्ली पुलिस नूपुर और नवीन जिंदल के खिलाफ कार्रवाई करे, जब उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है तो उसके खिलाफ बोल रहे हैं, तो ये एक लोकतंत्र की हत्या है। देखिए किस तरह से इस वक्त दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष है AIMIM के कलीमुल हफीज, जिनको दिल्ली पुलिस इस वक्त डिटेन कर रही है। शालीबंडा हॉल सिटी में अचानक लगी एक बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर भयानक आग। शाहीनगर जूनियर कॉलेज के सामने वाली बिल्डिंग जिस पर होर्डिंग लगा हुआ था, कल रात आग लगने का वाकया पेश आया। स्पॉट पर मुकामी कॉर्पोरेटर मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर पहुंचकर पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी इत्तला। तफसीली रिपोर्ट सीनियर रिपोर्टर सैयद मुजम्मिल की बियावानी न्यूज़ से। इसी तरह की खबरों के लिए बियावानी न्यूज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। जजाक